बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल के इंटरव्यू पैनल से फरीजा तरबियत वाली आप सबको सलाम पेश करती है और वेलकम कर रही हूँ। हमारी आज के सेशन में जो इंटरव्यू पैनल पे हमारी मेहमान हैं, बड़ी ही नन्ही मुन्नी प्यारी सी, जिनका नाम है लाइबा फॉरेस्ट वाली, बड़ी हिम्मत वाली हैं और बड़ी हौसले वाली हैं, तो इनसे इनका तारुफ करवाते हैं। जी बेटा, लाइबा फॉरेस्ट वाली, आप अपना तारुफ करवाइए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ओके, मेरा तारुफ यह है कि मेरा नाम लाइबा फॉरेस्ट वाली है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मेरे हाथ स्कूल करूंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ और मैं कराची पाकिस्तान में रहती हूँ। जबरदस्त। अच्छा लाइबा, आपके नाम के साथ ये फॉरेस्ट वाली क्यों लगा? ओके, ये हमें मिशन दिए गए हैं, फॉरेस्ट वाली, गैस वाले, और पता नहीं स्कूल में बहुत सारे हैं, पानी वाले बहुत सारे, लाइट वाले, बिजली वाले, कूड़े वाले, रिसाइकल वाले, साइबर वाले, बहुत सारे हैं। तो सबको रिहान स्कूल में गोल दिए गए। अब ये हमारा गोल है फॉरेस्ट वाले कि हमें पाकिस्तान में फॉरेस्ट के मसलों को हल करना है, दरख्त ज्यादा से ज्यादा उगाने हैं और उनको कटने से रोकना है। जबरदस्त। तो इस तरह लाइबा फॉरेस्ट वाली हो गई। अच्छा लाइबा, क्या आप चाहती हैं कि आपकी तरह पाकिस्तान की और भी बहुत सारी बच्चियां जो हैं वो फॉरेस्ट के मसले को समझें, पे काम करें, तो उनको क्या आप कहेंगी? मैं यही कहूंगी कि इस मिशन में हमारे साथ और भी लोगों को होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में सिर्फ हम नहीं और बाकी सारी लड़कियां भी हिम्मत करें, हौसला करें और हमारे साथ आके हमारे मिशन को कामयाब करने में आसानी करें। जी जबरदस्त। तो ये आपके नाम के साथ एक लिखा हुआ, क्योंकि मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो लाइबा पढ़ती हैं 8 क्लास में। देखें बेटा, आप सब जो बच्चियां स्कूल गएंगे उन सबके लिए ये जिंदा मिसाल हैं। हमारे सामने 8 क्लास में पढ़ रही हैं और फॉरेस्ट के मामले में कितनी ज्यादा जंगलात के मामलात पे ध्यान देती हैं, गौर करती हैं। अच्छा लाइबा, आप क्यों फॉरेस्ट की तरफ ही आई हैं, जंगलात की तरफ क्यों तवज्जो देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, दरख्त क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे हमें सांस मिलती है और जब हमें सांस नहीं आएगी तो हम रहेंगे कैसे। सांस के लिए बहुत जरूरी है दरख्त, एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो इसलिए। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, आप बहुत जी। अच्छा लाइबा, आप के कराची के कैंपस से ताल्लुक रखती हैं, वहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते होंगे, कुछ हमें स्कूल के बारे में बताइए। रेहान स्कूल के बारे में? जी बिल्कुल। ओके, रेहान स्कूल में सबको एक तो वादा दिए जाते हैं कि वो उनको गोल दिया गया है और उनको कामयाब करना है, पाकिस्तान को अच्छा बनाना है, गुर्बत से रोकना है और इंटरव्यू लेना देना कैसे है, को कैसे फेस करना है, वीडियोस कैसे बनानी है, लोगों के सामने पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है और अच्छे से करनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को ट्रेन किया जाता है, ऊपर उसके बाद फ्रीलांसिंग सिखाई जाती है। जी जबरदस्त। बच्चों की जो है वो शख्सियत बनाई जाती है बेसिकली, आप सबने सुना होगा। मैं लाइबा की बातों से भी यही बात समझ आ रही है कि बच्चों की बाकायदा तरबियत की जा रही है, जो उनके अंदर खूबी है उस पर काम किया जा रहा है ताकि वाकई कल के हमारे हीरो बने, हमारी अगली नस्लों के लिए मोटिवेशन बने। जी तो लाइबा की तरफ वापस हम चलते हैं। लाइबा के पास टाइम बहुत कम था और जल्दी से अभी से ही थोड़ा सा वक्त मिला है, तो लाइबा हम आपसे बड़े मजे वाला एक सवाल करेंगे कि आप कहीं जा रही हैं, रास्ते में अलादीन का चराग गिर गया, उसने उठा के उसको रख लिया, अचानक से उसमें से जिन निकल आया, लाइबा क्या कहेंगी? 3 ख्वाहिशात बता सकती हैं लाइबा, जल्दी से बता दें।
ओके, मेरी पहली ख्वाहिश ये होगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो है हज और उमरे पे जाऊं, और दूसरी होगी कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करूं, गुर्बत खत्म कर दूं बिल्कुल। और जो मेरा मिशन है फॉरेस्ट वाली, इसको मैं इस पे अचीवमेंट जो है इसको अचीव करूं। जबरदस्त, तीनों गोल बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक आपकी तीनों ख्वाहिशों को और हमारे बच्चों को इसी तरह आपकी तरह बनाए, बामकसद जिंदगी गुजारने वाला बना दे। बहुत शुक्रिया लाइब्रेरी बेटा, आपका वक्त देने का, तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ दोबारा कभी कोई नशिस्त होगी जिसमें आप हमें ज्यादा वक्त दे सकेंगे। आप अभी ले सकती हैं इंटरव्यू। अच्छा, अभी मजीद ले सकती हूँ, अभी टाइम है। अच्छा जी, तो लाइबा क्या समझती हैं फॉरेस्ट के काम पे और किन किन चीजों पे काम कर सकती हैं, कौन से दरख्त ज्यादा उगाना चाहती हैं? दरख्त तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए सांस लेने के लिए। और जैसे अभी सैलाब आया था, फ्लड आया पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में ही आया, तो उससे सब्जियां और जमीनें गांव में जो होती हैं वो बहुत जो है खराब हो गई है। सब्जियां जो है वो मतलब सबको बहुत नुकसान हुआ है, तो उनको घर में कैसे उगा सकते हैं, इनकी भी इंशाल्लाह हम वीडियो आपको पोस्ट करूंगी मैं फेसबुक पे। और उसके अलावा सभी फॉरेस्ट हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, कोई एक तो नहीं। ठीक, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट में है, और आप चाहती हैं कि सब्जियां वगैरह उगाई जाएं, और यानी सब लोग मसरूफ हों, अच्छी एक्टिविटी रखें, सब्जियां उगाएं, उनकी देखभाल करें, जिससे वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और एक अच्छी एक्टिविटी भी हो जाती है, हेल्दी हेल्दी हम लोगों को खुराक भी मिल जाती है और हवा भी साफ हो जाती है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बात कही है। अच्छा, लाइबा का इंटरनेट का भी काफी ज्यादा मसला हो रहा है, लाइबा बेटा आप टाइम किस तरह देती हैं, स्कूल का क्या काम नहीं होता? स्कूल का काम होता है, पर बच्चों को यहाँ पे बर्डन नहीं दिया जाता कि बच्चा घर आए और कॉपी खोल के बैठा रहे बैठा रहे, तो हमें इतना काम नहीं मिलता। आधा अगर हमें मिलता भी है तो हम थोड़ा कर लेते हैं, और बाकी हम सारा स्कूल में, हमें टाइमिंग बढ़ाई गई है 2 बजे तक, पहले 1 बजे तक थी, अब 2 बजे तक हुई है, तो हम आधा काम अपना स्कूल में ही करके आ देते हैं, ताकि घर में आके हम आपको टाइम दे सके और इंटरव्यू ले दे सके, वीडियो बना सके। सही, तो आप क्या बाकी पेरेंट्स को भी क्या कहना चाहेंगी, मैसेज चाहेंगी कि वो अपने बच्चों को फोरंगी कैंपस में भेजें, उनको डिजिटल दुनिया की तालीम दिलाएं, क्या चाहती हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बिल्कुल अपने आप बच्चों को रेहान स्कूल कैंपस में एडमिशन उनका करवाएं, ताकि उनमें भी ये हिम्मत पैदा हो कि वो कैमरे को फेस कर सकें, पब्लिक स्पीकिंग कर सकें, क्योंकि आगे जाके ये सब होगा, और बच्चा आपका मतलब शर्माने वाला ना हो, हिम्मत वाला हो, हर किसी के सामने बात कर सके और कैमरे को फेस कर सके, इंटरव्यू ले दे सके, उसको सारी नॉलेज आती हो, क्योंकि आगे कंप्यूटर का ही जमाना है और आगे यही सब आगे चल रहा है। रेहान स्कूल वाले टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे जा रहे हैं। जबरदस्त, अभी इसी सिलसिले में सर रिहान शाबोशी के तौर पे आप लोगों को एक ट्रिप पे लेके गए, और वो भी हम सब ने देखा, क्या वो एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करेंगी ताकि पेरेंट्स भी सुने, देखें और जाने, और उनको दिलचस्पी बढ़े? जी बिल्कुल, हमें बहुत मजा आया था, और उनके साथ तो वही चंद बच्चे गए थे, 6 या 7, जिन्होंने 20 से ऊपर इंटरव्यू किए थे, 20 अबव इंटरव्यू उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी उनका गिफ्ट था, सर रेहान ने हमें गिफ्ट दिया कि आओ हम आपको घुमाने लेके चलते हैं। तो हम लोग पहले गए थे रियासती मदीना मॉडल स्ट्रीट, जो कि बहुत अच्छी थी, और उसमें हमने वीडियो भी मैंने अपलोड की है कि मुझे बहुत मजा आया था, हर घर में कलर हुआ हुआ था, वहाँ पानी का मसला नहीं था, वहाँ बिजली का मसला नहीं था, वहाँ गैस का मसला नहीं था, वहाँ कोई गन गन वगैरह नहीं था, बहुत अच्छी गली थी, हर घर में बिल्डिंग में कलर हुआ हुआ था, वहाँ के लोग लड़ नहीं रहे थे, वहाँ के लोग बहुत अच्छे से बैठे हुए थे। उसके बाद हम सीन्यू गए थे, हमें बहुत मजा आया, ठंड हो रही थी,
हमने जो है वहां पे पिक्चर्स ली, थोड़ा सा आगे गए पानी में गए थे, और उसके बाद फिर हम डॉलमेन मॉल गए थे, और वहां पे सरेहान ने कहा कि चीजों को ऑब्जर्व करो कि अगर ये चीज है तो आप इसको क्यों नहीं ले सकते, हम भी तो ले सकते हैं। और यहाँ बोला कि जो शॉप्स है इधर लाइबा का नाम होना चाहिए, इधर मनाश का नाम होना चाहिए, इधर रैम का नाम होना चाहिए, इधर का नाम होना चाहिए, तो हम भी तो ये सब कर सकते हैं। तो हमने जो है पिक्चर्स ली कि आपने उन्होंने बोला कि आप हमें बताओ कि सरेहान आप स्कूल में ये चीज ऐड करें, ये चीज ऐड करें, ये चीज ऐड करें, बहुत ज्यादा मजा। उसके बाद हमें डिनर करवाया और हमें ठीक ठाक घर पे छोड़ दिया, और बहुत ज्यादा मजा आया। जी, बहुत ज्यादा मजा आया। तो लाइबा, आप जो गई हैं मदीना स्वीट में, गई आपने बताया, वहां पे आपने प्रैक्टिकल वर्क हुआ हुआ देखा, यानी जितने घर थे वो रंगों वाले थे और उनमें कोई मसाइल नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आप क्या चाहती हैं, पाकिस्तान के बाद इसी तरह खूबसूरत और अच्छा हो जाए? बिल्कुल, मैं तो चाहती ही यही हूँ कि पाकिस्तान जो है बहुत प्यारा हो जाए, उसमें जितने भी मसाइल हैं वो सब हल हो जाए, और इंशाल्लाह जिन जिनको वाले दिए गए हैं तो हम सब मिलके वो सब ठीक करेंगे। और अभी जो आपने वीडियोस देखी उनकी, रिहान स्कूल के गली में बच्चों ने सफाई की थी, सफाई डे, आपने देखी वीडियो? जी जी बिल्कुल। हमारी यही कोशिश है कि हम हर गली को अच्छा बनाए, आप लोग भी करें जो देख रहे हैं, अपने अपने साथ और लोगों को मिलाएं और एक चेन बना रहे हैं। जब चेन बनेगी ना तो हर कोई एक एक काम करे, एक घर के सारे घर के मसलों का गैस का पानी करेगा, एक लाइट का करेगा, एक पानी का करेगा, और अपने घर के बाहर पौधे लगाएं, और बहुत अच्छा एनवायरमेंट हो जाएगा इससे, और आप लोग खुशहाली भी आएगी और पाकिस्तान खूबसूरत भी लगेगा। कितनी मासूम और खूबसूरत बच्ची है, और कितनी प्यारी इसकी बातें हैं। दिल तो कर रहा है कि ढेर सारी और भी बातें करें, ठीक है, लेकिन वक्त की कमी है और आगे बढ़ना है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में बहुत तरक्की लाए और हमारे बच्चों को, आपकी तरह के बच्चों को देख के आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके मंसूबों को कामयाब करे, आपकी कोशिशों को कामयाब करे, आपको बहुत आगे लेके जाए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपकी तशरीफ़ाबी का बहुत शुक्रिया। जी ये थी लाइबा फॉरेस्ट वाली, और मुझे उम्मीद है आप सबको भी बहुत अच्छा। स्कूल के इंटरव्यू जी लाइबा, बड़ा अच्छा रहा। जी ये बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा। थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। नहीं नहीं बेटा, आप हमारा फ्यूचर हो और आप और मेहनत करो, अल्लाह बहुत कामयाब करे। और मेरी दिल से दुआ है, हमारी बच्चियां जो है ना, उनको आप जैसी बच्चियों की जरूरत है, आप बिल्कुल बनाया करें इस तरह।